कौन है? राजू। कब आया? 24 साल पहले। अभी मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर पहले। और भाभी? भाभी यानी कि तेरी वाइफ? अरे शादी नहीं हुई तो भाभी कहाँ से आएगी यार? देख ये मजाक बंद कर और सच सच बता। सच कह रहा हूँ यार, पिताजी का तार पाकर घर गया। अब की बार बहाना नहीं था, वो सचमुच बीमार थे। उसी हालत में शादी का वादा कर लिया और इसकी इतला तुम्हें भेज दी। लेकिन जिस रोज शादी होने वाली थी पिताजी चल बसे। आई एम सॉरी राजू, कम से कम तार तो दे देना था। अबे तुमने भी तो शादी कर ली, मैंने सोचा क्यों रंग में भंग डालू। हाँ यार यूं ही जल्दी क्या हुआ? तुम अंदर कैसे आए? मैं दरवाजे से। दरवाजा किसने खोला? मीना ने। मीना ने? हाँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? सच कह रहा हूँ यार। इम्पॉसिबल। कमाल है, खुद जाके पूछ लो। किससे? मीना से। कहाँ है मीना? अरे नीचे। नीचे? हाँ। आओ मेरे साथ चलो। कमाल है। कहाँ है मीना? मैं सच कहता हूँ राकेश, मीना भी यहाँ थी, शायद बाहर हो। कौन? कौन है? हम है साहब, माली। माली? इन साहब के लिए दरवाजा तुमने खोला था? नहीं तो? तो फिर ये अंदर कैसे आए? मेरी चाबी तो मेरे पास है और आपकी चाबी आपके पास। कुछ गड़बड़ है क्या? पुलिस को बुलाऊं? रहने दो। आओ राजू। क्या बात है राकेश, मीना से झड़प होगी क्या? नहीं राजू, हो नहीं चाहिए। हैं? अरे बेवकूफ, सुहाग रात को लोग प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, दिलों के तार मिलाते हैं, जिंदगी की हर ऊंच नीच पर एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खाते हैं और आप रंग और ब्रश लेकर तस्वीर बनाते हैं। ये सब बात मैं किसने बताई राजू? मैं यार गला दबाओगे क्या? किसने बताई राजू? मीना ने। मीना ने? मीना ने? हेलो राकेश, मीना ने इस पालने का भी जिक्र किया था, कह रही थी तुम इसमें बचपन में झूले थे। राकेश आज तुम सुराही को घुमाना भूल गए। हाँ राकेश, मीना ने ही दरवाजा खोला था, मीना ने ही तस्वीर की बात की थी, मीना ने ही पाले का जिक्र किया था और मीना ने ही सुराही के बारे में बताया था। नहीं राजू नहीं, भगवान के लिए चुप हो जाओ राजू, भगवान के लिए चुप हो जाओ। मेरा सर फट रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। राकेश, राकेश, मैं पागल हो जाऊंगा राजू, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। कंट्रोल योरसेल्फ राकेश, कंट्रोल योरसेल्फ। होश में आओ राकेश, होश में आओ। क्या बात है राकेश, तुम बार बार मीना के नाम से चौंकी पड़ते, बोलो। राजू मीना, मीना मर चुकी है राजू, मीना मर चुकी है। लोग कहते हैं कि उसने खुदकुशी की, लेकिन पुलिस का कहना है कि उसका कत्ल हुआ। काश उस कातिल ने मुझे मार दिया होता राजू, मेरी सारी दौलत छीन ली होती, मगर मगर मेरी मीना को छोड़ दिया होता राजू। मैं मीना की एक मुस्कुराहट पर बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकता था राजू, बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकता था। लेकिन यह हो कैसे सकता है राकेश? अगर मीना मर चुकी है तो ये दरवाजा किसने खोला? मुझे इस कमरे तक कौन लाया? कहीं तुम ना आए तो मैं मर जाऊंगी। I don't know.
मालिक, 3 दिन से आपने कुछ नहीं खाया, आई कुछ खा लीजिए। माली, ये सब क्या हो गया है? धीरज रखिए मालिक, भगवान की मर्जी के आगे किसका जोर चला है? मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा था जो मीना मुझसे छीन ली, मुझे उठा लिया होता। बस कीजिए मालिक, आपका ये दुख मुझसे देखा नहीं जाता। अगर इंसान की सारी इच्छाएं पूरी हो जाए तो भगवान को कौन पूछेगा? आइए कुछ खा लीजिए, मरने वाले लौट के नहीं आते, लेकिन जीना तो पड़ता है। लेकिन मैं किसके लिए जीऊं? किसके लिए जीऊं? मीना, बेटा, मालिक कह रहा था तूने कई दिनों से खाना नहीं खाया, आखिर कब तक शोक मनाता रहेगा? हाँ जी, भगवान के लिए मुझे अकेला चाहिए। बेटा, मरना जीना तो आदमी की किस्मत की बात है, तेरे इस तरह शोक मनाने से कोई फायदा है तो बता दे। गम बढ़ जाता है आंटी, प्लीज। बेटा, मैं तुझे इस हाल में देखूं और चुप रहूं? बस मैं सोच समझ के तेरे पास आई हूँ। भगवान की दया से हमारे पास किस बात की कमी है? करोड़ों की जायदाद है, पहाड़ की हवा बैठे तुझे रास नहीं है। चल मेरे साथ शहर चल, तेरा गम गलत करने के लिए मैं तेरी दूसरी शादी कर देती हूँ। बस करो आंटी, प्लीज। बेटा, इतनी बड़ी हवेली और तू अकेली। आंटी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं कैसे भी गुजार लूंगा। अगर आपको शहर जाना तो आप शहर चले जाइए। किसका इंतजार कर रहे हैं बाबूजी? मैं इस वीराने को देख रहा हूं। अभी तो आपने यहां पहला कदम रखा है, यहां तो चारों तरफ वीराना ही वीराना है। ऐसा क्यों? इस मौसम में यहां कोई नहीं आता राजबाबू। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं ये भी जानता हूं, इसी ट्रेन से आप आने वाले हैं और आपको राकेश बाबू की हवेली पर जाना है, इसीलिए मैंने आपके लिए घोड़ा भी तैयार रखा है। अरे घनश्याम, बाबूजी आ गए, इन्हें पहुंचा दो।
आंदम मस्त कलंदर, दम आंदम मस्त कलंदर, दम आंदम मस्त कलंदर। भौजी भौजी आपके चोट तो नहीं लगी? हमारे तो जान निकल गई थी। अरे भाई ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा चोट लगी या नहीं लगी। रसालू घोड़ा कभी नहीं भड़का, हम साले का 8 दिन का राशन बंद कर देगा। हाँ जरूर कर देना, ये लो अपना पैसा और मेरा बैग मुझे दे दो। सलाम। राम राम। तस्वीर बनी आपके सामने खड़ी है, कभी खुद भी तस्वीरों में खेलती थी। तस्वीरें इसकी जिंदगी थीं, तस्वीरें इसका माहौल था, और ये बजाते खुद एक हुस्न की तस्वीर थी। हुस्न का एक मुजस्समा, शायर का ख्याल उसकी गजल थी। इसकी एक एक अदा पर कायनात का जर्रा जर्रा नाच उठता था। मगर देखो तुमको यकीन नहीं आता ना। ओहो, लेकिन एक फर्क है। वो क्या? अरे बाबा मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ। इसका फैसला तुम्हें नहीं करना चाहिए। एक और फर्क भी है। क्या? अरे बाबा मेरे बदन पे कपड़े हैं। चलो मजाक मत करो और तुम्हारा स्केच बताओ कैसा है। स्केच तो अच्छा है लेकिन अब भी तुम्हें कमजोरी है। बताऊं क्या? तुम अपने सब्जेक्ट की रूम में झांक कर नहीं देखती। अरे बाबा अभी अनाड़ी हो ना, लेकिन एक ना एक दिन रूह जैसी चीज को बस में जरूर कर लूंगी। सच? डबल सच। बाय। हाय मीना जी, कई बार कहा है कि आप अपने नाजुक पांव को चलने की जहमत मत दीजिए। कमबख्त की गाड़ी किस लिए खरीदी है? चूल्हे में झोंकने के लिए। अरे 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 मैम साहब, इतनी बड़ी इस गाड़ी को एक छोटे से चूल्हे में झोंकने की सजा मत दीजिए। इससे बेहतर काम भी लिया जा सकता है। आइए आपको अपनी इस गाड़ी में जन्नत की सैर कराऊं। जहन्नुम में जाए तुम्हारी जन्नत। ओहो मीना जी, अगर आप चाहती हैं कि मैं आपको अपने आगोश में लेकर इस गाड़ी तक ले चलूं तो आइए, बंदा हाजिर है। मेरा रास्ता छोड़ो रुपेश। ए, आपके लिए एक नया रास्ता खोल रहा हूँ। बकवास बंद करो और मुझे जाने दो। अगर मुझे हाथ लगाया तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। यही ना? बदमाश छोड़ मुझे, लीव मी, यू गॉट इट, स्टूपिड, छोड़ो मुझे। आग में जल रहा हूँ, जाने मन। एक घूसा पड़ा बच्चे तो फायर ब्रिगेड की घंटियां सुनाई देंगी और तेरी मोहब्बत की आग शांत हो जाएगी। राजू अबे जा। तुम्हें भी देख लूंगा ना साहब।
मैंने कहा हुजूर क्या है? नमस्ते। बात मत करो मुझसे। कमाल है साहब, अभी अभी अपनी जान पर खेल कर आपको को आपका ख्याल नहीं, इल्जाम सरासर झूठ। देखिए मेम साहब, अभी ये नहीं कह दीजिएगा कि हमको आपसे प्यार भी नहीं। प्यार होता तो इतनी देर नहीं लगाते। कितना प्यार है, कितना बेकरार है जिया, जाओ जी जाओ हमने तुम्हें, हाँ जाओ जी जाओ हमने तुम्हें देख लिया। हमने भी सरकार देख लिया, उसे भी है प्यार देख लिया। तुमको कितना प्यार है, सरकार देख लिया, उससे में है प्यार देख लिया। नजर तुम्हारी कभी तो दिल के करीब सी है, पल में है दूर ये भी अदा तुम्हारी अजीब है। ओ पल में नजर तुम्हारी कभी तो दिल के करीब सी है, पल में है दूर ये भी अदा तुम्हारी अजीब है। एक मेरे तुम ही तो हो, तुम भी खफा हो, जाओ जी जाओ हमने तुम्हें भी सरकार देख लिया, उससे में है प्यार देख लिया। तुमको कितना प्यार है, कितना बेकरार है जिया, जाओ जी जाओ हमने तुम्हें, हाँ जाओ जी जाओ हमने तुम्हें देख लिया। हमने भी सरकार देख लिया, उससे में है प्यार देख लिया। आओ गले लगा कर तुम्हारी बाहों में झूल जाए, हो जाए एक दूजे में सारी बातों को भूल जाए। गले लगा कर तुम्हारी बाहों में झूल जाए, हो जाए एक दूजे में सारी बातों को भूल जाए। आज फिर प्यार से हमको सताओ, जाओ जी जाओ हमने तुम्हें देख लिया। हमने भी सरकार देख लिया, उससे भी है प्यार देख लिया। तुमको कितना प्यार है, कितना बेकरार है जिया, जाओ जी जाओ हमने तुम्हें, हाँ जाओ जी जाओ हमने तुम्हें देख लिया। हमने भी सरकार देख लिया, उससे भी है प्यार देख लिया। हाँ हाँ वकील साहब, वो सारे कागजात मुझे मिल गए हैं। जी हाँ, मैं जानता हूँ मैं कितनी मुसीबत में हूँ, लेकिन ये भी तो सोचिए वो अभी जिंदा है। हाँ हाँ अंकल आप। हाँ बेटे। आप अंधेरे में क्यों बैठे हैं? कुछ नहीं बेटे। क्या बात है? बस यूं ही। आप कुछ परेशान से हैं? नहीं तो,
भला तुम्हारे होते हुए मुझे क्या परेशानी हो सकती है? तो फिर आप फोन पे किससे कह रहे थे? कौन जिंदा है? वो परसों तुम्हारा जन्मदिन है ना, वकील साहब से उसी का जिक्र कर रहा था। क्या चाहिए बेटा? चाबी। उस दिन घूम गई थी ना, हाँ। तब से मैं आप ही के ड्रॉज में रखती। अच्छा अंकल, हाँ। बर्थडे पार्टी के दिन मैंने कुछ दोस्तों को बुलाया। अच्छा, आप उनसे मिलकर बहुत खुश होंगे। जरूर जरूर, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट। कल पार्टी पे आ रहे हो ना? अरे तूने कब से पार्टी देनी शुरू कर दी? अबे मीना का जन्मदिन है। अरे हाँ यार, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा है तूने याद दिलाया। यार तेरी दोस्ती बहुत महंगी पड़ती है, छोटी छोटी बातें तुम्हें याद दिलानी पड़ती। राकेश, सुबह वकील साहब का फोन आया था, मैं कहना भूल गई। यानी कि आपको भी भूल जाने की आदत है, यानी कि पूरी की पूरी फैमिली। आंटी क्या कहा वकील ने? वही पुरानी हवेली वाली बात। मैं तो कहती हूँ बेटा, वकील साहब की बात मान लो, वो हवेली हमारे लिए अब बिल्कुल बेकार। आंटी मैंने आपको कितनी बार कहा है कि वो हवेली मेरी है और हमेशा मेरी रहेगी। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मेरा इरादा पक्का है। ठीक है, मुझे क्या, मैं तो तुम्हारे ही भले की कह रही हूँ। यार तू बड़ा जिद्दी आदमी है, जो चीज तेरे काम की नहीं है उसे भी हाथ से नहीं जाने देता। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। वकील साहब, वो हवेली मेरी है and I don't want to sell it। बड़ा ही जिद्दी लड़का है। हाँ तो रतनलाल जी, अब आप सुनाइए। क्या सुनाऊं? मेरा तो एक एक पल जिस तरह गुजर रहा है वो मैं ही जानता हूँ। कल आपसे बात कर रहा था कि अचानक मीना आ गई, इसलिए फोन रख दिया। अपने होशो हवास तो साथ लेकर आए हो ना, या वो भी कहीं रख दिए? रतनलाल अब भी वक्त है, कुछ कर लो। जिन लोगों से तुमने कर्ज लिया है वो सिर्फ मीना के जन्मदिन का इंतजार कर रहे हैं। जानता हूं। और तुम ये भी जानते हो कि अगर उन्हें तुम्हारे झूठ का पता चल गया तो क्या होगा? तुम आज तक मीना के रहम करम पर हो, उसकी शादी के बाद तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। और ये राज खुल गया तो बस, नोटिस, मुकदमा, डिग्री और फिर हथकड़ी, सड़कों पर भीख मांगते नजर आओगे। बस बस वकील साहब, मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि मैं क्या करूं। जिस हिसाब से तुम्हारे पिताजी ने मीना के लिए वसीयत लिखी है, उनके दिमाग की दाद देना पड़ती है। अगर उनकी जिंदगी में तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाते तो शायद वो ऐसी वसीयत ही ना करते। लेकिन खैर, अब तो वसीयत लिखी जा चुकी है और मीना के 20 बरस पूरे होने में सिर्फ कल का दिन बाकी है। वकील साहब, लेकिन कल के आने में पूरे 24 घंटे बाकी हैं और इन 24 घंटों में बहुत कुछ हो सकता है। क्यों घबराओ नहीं, तुम जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वेल डन अंकल। अरे भाई, तुम्हारी सहेली की सालगिरह पर बड़ी रौनक है। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी। फ्रेंड किसकी है? हेलो। देखिए आपने तो हमें बुलाया नहीं, हम आ गए बिन बुलाए मेहमान। मीना तुम कहाँ हो? मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओ अंकल, ये है रूपा, ये रूपा के पैदा डॉक्टर है और ये है मेरे अंकल। हाँ दीदी। हेलो, आइए आइए, तशरीफ लाइए। क्या बात है, आजकल तो तुम्हारा ही चक्कर चल रहा है। वो कैसे? एक तो तुम 20 साल की हो गई, ये तो कोई बात ना बनी भाई। हाय, मैं अगर मर्द होती तो तुम्हें बताती कि लड़की जब 20 साल की हो जाती है तो कितनी अच्छी लगती है। ओह ये बात है, ये ओ ये आ की आवाज ही तो भली मालूम होती है। जब ही तो मेरी जान दो दो को लिए घूमती हूँ। और एक हम है, अब तक कोई मिला है? यही तो दिन है मेरी जान, जो दो चार को मसरूफ रख सकती हो। मैं तो शादी के बाद वही बोरिंग चूल्हा चक्की। अगर तुम चाहो तो दोनों में से
एक को तुम्हारे हवाले कर सकते। कौन आएगा हमारी इसमें? टॉस कर ले। ना बाबा, टॉस करके अगर गलत आदमी हाथ लग गया तो जिंदगी भर रोती रहूंगी। अच्छा, मैं तो अपने मनपसंद आदमी को गले लगाऊंगी। ठहर, अभी ढूंढती हूँ तेरा मनपसंद। अरे कोई है? मीना। हाय राकेश। हाय, जन्मदिन मुबारक। थैंक यू वेरी मच। मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लाया। क्यों, पसंद आया? वाओ, इसकी क्या जरूरत थी? क्यों, हमारे लिए एक फूल काफी था। आप एक फूल की बात कर रही हैं, हम तो आपके लिए पूरा बगीचा उठा रहे हैं। ये लीजिए। थैंक यू। अरे वाह 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 वाह, कमाल है भाई, देखते हो कैसा लगता है। राकेश तुम तो नंबर ले गए। वाह वाह वाह, जवाब नहीं तेरा राकेश। अच्छा बाबा, चलो मैं तुम लोग को अंकल से मिलाती हूँ। चलिए अंकल। अंकल, ये है राजकुमार वर्मा, मेरे कॉलेज फ्रेंड। वेरी प्लीज टू मीट यू। हाय राकेश। और ये है राकेश, बहुत बड़े पेंटर। वेरी ग्लैड टू मीट यू। ग्लैड टू सी यू। अरे भाई, कभी हमारी तस्वीर बना दो, और नहीं तो कार्टून ही बना दो। उसमें राजू उस्ताद है। अच्छा, तो भाई तुम ही बना दो। हाँ बेटी, तो उनके खाने पीने का कोई बंदोबस्त करो। जरूर हरिचरण। ठीक है भाई, ये हार तो तुम पर बहुत सज रहा है। पहनाने वाले का कमाल है, और जो बेचारा खरीद कर लाया तो कोई कमाल नहीं। तब तो भाई टॉस करने की हमें जरूरत नहीं। किसकी जरूरत नहीं बता दूं? आओ बेटी, केक काटे। अभी आए अंकल। वकील साहब, बहुत खुश नजर आ रहे हो। खुशी की बात तो है ही, आज मीना 20 बरस की हो गई। चिराग जब बुझने लगता है रतनलाल, तो एक लम्हे के लिए उसकी रोशनी तेज हो जाती। कुछ ऐसी ही चमक देख रहा हूं आज तुम्हारे चेहरे पर, और उसके बाद एक मुसलसल अंधेरा है तुम्हारे लिए। वकील साहब, ये भी तो हो सकता है कि अगर मीना को उसकी जायदाद मिल जाए तो क्या वो मेरी मदद नहीं कर सकती? वो चाहे तो सब कुछ कर सकती है, लेकिन ये मत भूलो रतनलाल, जब तक उसकी शादी नहीं होती उसे दौलत नहीं मिल सकती, और शादी के बाद उसका पति ना चाहे तो। ओह, बस इसीलिए मैंने बड़ी सोच समझकर मीना के लिए ऐसा जीवन साथी तलाश किया है जिससे तुम्हारी तमाम मुश्किलें आसान हो जाएंगी। शादी के बाद सारी जायदाद अपनी ही रहेगी, क्योंकि लड़का भी अपना है। अंकल, आज मैं बहुत खुश हूँ। बेटी, मैं भी बहुत खुश हूँ। आज तुम 20 बरस की हो गई। तुम्हारे दादाजी की वसीयत के मुताबिक आज के बाद एक महीने के अंदर अंदर तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। हाँ बेटी, वरना ये सारी जायदाद धर्म खाते में चली जाएगी। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढ कर लाया हूँ। ये देखो उसकी तस्वीर। आप इसे कब से जानते हैं? तो तुम भी उसे जानती हो? ये तो बहुत अच्छा हुआ। बताओ ये कैसा है? ये तो एक नंबर का गुंडा है, लफंगा है, आवारा है। मीना। अंकल, न जाने आप अपने किस भलाई के लिए मेरा ये बुरा सोच रहे हैं, मगर मैं आपकी बात कभी नहीं मानूंगी। मीना के रहम करम पर न जाने आप अपने किस भलाई के लिए मेरा ये बुरा सोच रहे हैं। ये राज खुल गया तो बस, नोटिस, मुकदमा, डिग्री और हथकड़ी, सड़कों पर भीख मांगते नजर आओ। कुछ ऐसी ही चमक देख रहा हूं तुम्हारे चेहरे पर, उसके बाद एक मुसलसल अंधेरा तुम्हारे। Thank you.
अचानक अंधेरा हो गया था, आधी मोमबत्ती लेने के लिए आया था। अरे मीना तुम यहाँ? राजू आई थी तुम्हें अपना दुख बताने, यहाँ आकर ये तार मिला। किसका तार है? तुम्हारे पिताजी का है, उनकी तबीयत बहुत खराब है, लिखा है सूरत देखनी तो फौरन चले आओ। मीना मुझे जाना होगा। कब तक वापस आओगे? कुछ कह नहीं सकता, हफ्ता, दो हफ्ते, एक महीना। नहीं नहीं, एक महीना नहीं, उससे पहले वापस आना होगा। क्यों, ऐसी क्या बात है? मेरे दादाजी वसीयत में लिख गए हैं, मेरी 20वीं सालगिरह के बाद अगर एक महीने के अंदर मैंने शादी ना की तो मेरी सारी जायदाद धर्म खाते में चली जाएगी। तो इसका मतलब यह हुआ मीना, अगर मैं एक महीने के अंदर ना लौट सका तो तुम मेरी मोहब्बत की लाश पर से गुजर कर किसी दूसरे से शादी कर लोगी। राजू तुमने मुझे गलत समझा है, ये दौलत मैं अपने अंकल के लिए हासिल करना चाहती हूँ जो आजकल बहुत परेशान है। मेरी दौलत तो तुम्हारी मोहब्बत है राजू, तुम्हारी मोहब्बत। मुझे माफ कर देना मीना, मैंने तुम्हें गलत समझा। जाने से पहले मुझसे मिलकर जाओगे ना? तुमसे नहीं मिलूंगा तो जीऊंगा कैसे? राजू तुम्हारी आंखों से ऐसा लगता तुम रात भर सोई नहीं। सोकर जागती रही और जागकर तुम्हारे सपने देखती रही। मीना तुम पर नहीं गुजरी ना ऐसी हालत? इस तरह से क्यों बातें करती हो? अपनी किस्मत ने तो वहां भी अपना साथ नहीं दिया।
सपने में देखा तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी शादी कर दी और मैंने तुम्हें खो दिया। तुम मेरा जाना मुश्किल कर रही हो, तुम मेरा जीना मुश्किल कर रहे हो। कुछ ही रोज की तो बात है, दिल को लाख समझाया लाख बहलाया लेकिन राजू तुम मुझे अपने साथ ले चलो। जरूर ले जाऊंगा मीना, लेकिन इस तरह नहीं, तुम्हें अपनी दुल्हन बना के। वो दिन आएगा राजू, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। तुम ना आए मैं मर जाऊंगी, फिर मेरी रूह तुम्हारा इंतजार करेगी। मीना मैम साहब, आपको राकेश बाबू ने ऊपर टेरेस पर बुलाया है। टेरेस पे? ठीक है। लाओ अपने उस मोटरसाइकिल वाले को। रुपेश दरवाजा खोलो। ये क्या कर रहे हो? ये क्या हो रहा है तुमको? मुझे जाने दो। देखो, ये घबराओ नहीं बेटे, तुम मेरी हिफाजत में हो। तुम जैसे लड़कों की वजह से ही आज कॉलेज बदनाम है, तालीम बदनाम है। तुम जैसे लड़के कॉलेज के नाम पर एक धब्बा हो। एक कमजोर लड़की पर वैश्यों की तरह हमला करके तुम अपनी मर्दानगी, अपनी दिलेरी, अपनी बहादुरी का सबूत दे रहे थे। लानत है तुम पर। निकल जाओ यहां से। आज से इस कॉलेज में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। मैं तुम्हें रस्टिकेट करता हूं। अब हर कॉलेज का दरवाजा तुम्हारे लिए बंद है। रो मत बेटे। सुनो मीना, मैं तो इस कॉलेज से जा रहा हूं, मगर देखना तुमको कहीं इस दुनिया से न जाना पड़ जाए। झूठी तसल्लियां देने से क्या फायदा। मैं चाहता हूं कि मरने से पहले अपनी बहू की शक्ल देख सकूं। तू शादी कर ले। आपकी तमन्ना जरूर पूरी होगी पिताजी, मैं वादा करता हूं। उसका कोई खता है मीना? क्या क्या वादे नहीं किए, आज पूरे 25 रोज हो गए, एक लफ्ज तक नहीं लिखा। पता नहीं उसे क्या हो गया। जरूर कोई बात होगी मीना, वरना राजेश से था तो नहीं। अरे मीना, तुम यहाँ? तुम दिल्ली नहीं गई? क्यों, क्या हुआ? मैं अभी दिल्ली से आ रहा हूँ। राजू तो वहाँ दूल्हा बना हुआ था। क्या मीना, राजू ने शादी कर ली। राजू ने शादी कर ली? ये क्या कह रही हो तुम? हाँ। जरूर कोई मजबूरी होगी, वरना वो इस तरह चुपचाप शादी करने वालों में से नहीं है। कभी कभी इंसान की मजबूरी न जाने उसे कहां से कहां पहुंचा देती है। लो। राकेश,
मुझे खुशी है कि तुम अच्छे होके जा रहे हो, लेकिन लेकिन क्या डॉक्टर? नहीं, मुझे सर्जन की रिपोर्ट का इंतजार है, मैं तुम्हें फोन कर दूंगा, तुम जरूर आकर मुझसे मिल लेना। राकेश, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जरूर मिलूंगा डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। मैं आप लोगों की मेहरबानी भूला नहीं। मारी मेहरबानी को बदलो चुका हूँ सेठ। मैं आप लोगों की पाई पाई अदा कर दूंगा। कब अदा कर दोगे? हमेशा बहलाते फुसलाते रहे हो कि मीना की शादी हो जाए, मीना की शादी हो जाए। अरे पर अपन को क्या मालूम, शादी कर भी दिया होएगा। सेठ जी लो, यो तो आंखें भी दिखाने लग गो। सेठ जी आप मुझे फिर गलत समझ रहे हैं, मीना आप कोई बच्ची नहीं है। मुझे एक मौका दीजिए कि मैं मीना की शादी उसकी मर्जी से कर सकूं। मीना की मर्जी उत्तम होगी जब ये जायदाद धर्म खाते में जाएगी। अरे मीना जाए कुएं में या खड़ी, हमें इससे क्या लेना। रास्ता रह गया है, या तो हमारे पैसे वापस कर दो वरना हमें अदालत का दरवाजा खटखटाना आना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। मालिक मीना बेचारी सबकी सुन लिया। ओ, अच्छा हुआ उसने भी सुन लिया। हाय मीना, क्या हाल है तुम्हारा? हेलो राकेश, बड़ी दिनों के बाद आई हो। देखो ना कब से रंग और कैनवस वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन कम वक्त पेंट करने के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन तुम्हें देख के एक बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट याद आया है, जिसे देख के दुनिया वाले दांतों तले उंगली दबा लेंगे। और बैठो, मैं एक तुम्हारी बहुत खूबसूरत आज नहीं राकेश, फिर कभी। मैडम, आर्टिस्ट का मूड और बेमिसाल हुसन, इन दोनों की मुलाकात तो बड़ी मुश्किल से होती है। प्लीज राकेश। अरे इसमें प्लीज की क्या बात है, शायद मेरे ब्रश और कैनवस की तकदीर में हसीन सूरत लिखी नहीं है। ऐसी बात नहीं है राकेश, मैं आज बहुत डिस्टर्ब हूँ। डिस्टर्ब? मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? शायद। क्या बात है, कहो। एक प्रॉब्लम है, दादाजी ने लाखों की जायदाद मेरे नाम कर दी है और लिखा है जब तक मैं शादी ना कर लूं वो मुझे नहीं मिल सकती। मीना जी। बेटे सो रही थी? नहीं तो ऐसे। मैं तुमसे कुछ पूछने आया था, तुम राकेश को जानती हो? अच्छी तरह से अंकल, बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े पेंटर हैं। तुमने कभी पहले जिक्र नहीं किया उसका? पार्टी में मिला तो था। हाँ हाँ हाँ, अब मुझे याद आया। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी राय मालूम करने आया था। राकेश की आंटी तुमसे मिलने आई है, आओ मेरे साथ। राकेश की आंटी? हाँ हाँ। लीजिए, मैंने इसकी राय मालूम कर ली, संभालिए अपनी अमानत को। चांद का टुकड़ा है मेरी बहू, लाखों में एक, आज मेरी हो गई मेरी बहू। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा रूपा। ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। तू नहीं भेजती तो ठहर, मैं भेजती हूँ और साथ में एक ऐसा खत भेजती हूँ राजू भी जिंदगी भर याद करेगा। क्या बात है राजू? मीना की शादी हो रही है। मीना, वही जिससे तुम प्यार करते थे? कहाँ जा रहे हो राजू? मुझे छोड़ दो। अगर तुम जा कहाँ रहे? ये शादी नहीं हो सकती, मैं शादी को रोकूंगा। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? कार्ड छप चुके हैं, सारी दुनिया को पता चल चुका है। ये कागज का टुकड़ा मुझसे मेरी मोहब्बत नहीं छीन सकता है शाम, मैं जरूर जाऊंगा। अगर मीना मंडप में बैठी तो मैं उसे भरे मंडप से उठा लाऊंगा। पागल हो गए हो राज? पागल हुआ नहीं हूं शाम, लेकिन हो जाऊंगा। अगर मीना की शादी होगी ना शाम, तो मैं सारी दुनिया को जलाकर राख कर दूंगा, ना खुद जीऊंगा ना किसी को जीने दूंगा। मुझे मना करती है और खुद रोती है पागल,
मुझे उसकी बेवफाई का यकीन नहीं था मीना। मैंने तो कार्ड इसलिए भेजा था कि वो जरूर आएगा। नहीं मगर नाम तो याद है। मैं तो समझता था मेरी मोहब्बत की तरह तुमने ये नाम भी अपने दिल से मिटा दिया होगा। तुम यहाँ क्या कर? देख रहा हूँ खूब सज रही हो इस लिबास में। ये दुल्हन का जोड़ा, ये महकते हुए फूल, ये तुम्हारे माथे की बिंदिया, ये मांग का सिंदूर। क्या हुआ अगर इस सिंदूर में किसी के अरमानों के खून की रंगत मिली हुई है? राजू! किस राजू की बात कर रही हो मीना? वो जो कभी तुमसे मोहब्बत करता था, तुम्हें अपनी जिंदगी समझता था, उसकी मोहब्बत की चिता पर तो तुम फूलों की सहज सजाए बैठी। याद है तुम्हें मीना, एक दिन तुमने कहा था अगर तुम मर गई तो तुम्हारी रूह मेरा इंतजार करेगी। जीते जी तो तुम मेरा इंतजार नहीं कर सकी, लेकिन अब मरने के बाद तुम्हारी रूह मेरा इंतजार करेगी। बेवफा, तुमने मेरी खुशियों में आग लगाई है। मैं तुम्हारी इस दुनिया को जलाकर राख कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा। मीना, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा मीना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हसीन सूरत और कलाकार का संगम बड़ी मुश्किल से होता है मीना। आज मैं तुम्हारी कैसी तस्वीर बनाऊंगा जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी, जो हुस्न के एल्बम में सबसे ऊपर रखी जाएगी। हमसे पूछ कर करो, हमारी मर्जी से करो, समझी? क्या बात है आंटी? देख लो, तुम ही अपनी आंखों से देख लो,
बिटिया रानी अपनी जायदाद दान करने चली है। आज अपनी जायदाद बांट देगी, कल हमें अनाथ आश्रम भेज देगी। क्या हो गया आपको? जब देखो पैसा पैसा पैसा, हमारे पास किस बात की कमी है? आज तुम कल की छोकरी के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे। ये छोकरी तुम्हारे लिए सब कुछ हो गई है और मैं कुछ नहीं। तैयारी कर ली। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हम लोग कुछ दिन के लिए माथेरान जा रहे हैं। जाओ, जरूर जाओ, लेकिन इतना याद रखो, छोकरी के लिए तुमने मेरी बेइज्जती की। राकेश अपनी पहाड़ वाली हवेली पर जा रहा है, तुम जाओ। बेवकूफ, क्या क्या सपने सजाए थे मैंने, और तुमने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। जो जाल मैंने बिछाया था उसमें राजू के बाद अगर मीना किसी से शादी करती तो वो सिर्फ तुमसे। राकेश मुफ्त में बाजी मार गया। लेकिन अंकल, आप तो कह रहे थे कि बात अब भी कुछ बिगड़ी नहीं। एक राज है जो रतनलाल को भी मालूम नहीं। वसीयत में मीना के दादा ने यह भी लिखा था कि अगर शादी के बाद मीना की मौत किसी एक्सीडेंट से हो जाए तो जायदाद फिर रतनलाल को मिल जाएगी। क्यों, मीना के पति को नहीं मिलेगी? यही तो बुढ़े की चालाकी थी। जायदाद के लालच में मीना का पति भी मीना को रास्ते से नहीं हटा सकता। ओ, तो जब तक मीना जिंदा है जायदाद उसकी, और मरने के बाद रतनलाल की। और रतनलाल मेरे कब्जे में है, और बाकी रहा एक्सीडेंट। तस्वीर को वहां टांग दो, संभाल के। हाँ, अगर साहब पूछे तो कहना मैं लॉन में हूं। कितना सुकून है यहाँ, है ना? हाँ। क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं। तो फिर इतने खामोश क्यों हो? यही सोच रही हूँ, इतनी खामोशी कहीं उलझन ना बन जाए। बस इतनी सी बात है, हम ये कमी पूरी कर देते हैं आपकी। हम आपके कैसे क्लब में ले चलते हैं जहां आपको शहर की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होगी। सच, आप तो मुस्कुरा दो। Would you like to have some scotch? Yes. Okay. Hey. Yes. Two large scotch. Yes. Thank you. Here you are. Thanks. Cheers. Cheers. Thank you.
मुझे जितना उसी के पास यार एक दिन जाना है रे मिला दे तू अगर मुझको मिटाना है रे वो तुझे भी तो उसी के पास यार एक दिन सोनिया। बड़ी देर से दूर खड़ा सोच रहा था कि तुम लोगों के पास जाऊं कि ना जाऊं। आखिर हिम्मत करके आ ही गया। क्या हम बैठ सकते हैं? बैठिए। थैंक यू। भाई ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने शादी कर ली है। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। और क्यों ना इस मुबारक मौके पर वो दीवार जो हम तीनों के बीच में खड़ी है उसको हमेशा के लिए गिरा दिया जाए। और इसीलिए मैं आप लोगों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ। राकेश मीना नहीं, मिसेज राकेश। अरे यार, मिसेज राकेश होंगी ये घर में, यहाँ तो सिर्फ हमारी दोस्त है। क्यों? तो मैं समझूं मीना जी कि आपने मुझे माफ कर दिया? कर दिया जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए फिर डांस हो जाए। हाँ यार, धौंस क्या जमा रहे हो, इजाजत दे दो ना। That's the spirit.
आजो तो हमको डांस करने का है। आप इनके साथ डांस करेंगे? अपनी हालत देखी आपने? हमारी हालत तो क्या हो गए, तुम अपने हालत देखो। अच्छा बाबा माफ करो, माफ करो, क्या को माफ करो, हम कोई फकीर है? क्या बात, हम खाली उसको पूछा क्या हमको डांस करने को, तो वो सर हमको बोलता तुम्हारी हालत देखो, हमारी हालत के खराब है। चलना यार, जाने दे अभी। जाने को बात नहीं है, हम खाली उसको पूछा क्या हमको डांस करने को, तो वो सर हमको बोलता तुम्हारी हालत देखो, हमारी हालत के खराब है। अच्छा बाबा मुझे माफ करो। चलो बात खत्म हो गई ना अभी? बात खत्म होने का बात नहीं है, हम खाली उसको पूछा क्या हमको डांस करने को, तो वो सलाह हमको बोलता है तुम्हारा हालत देखो, हमारा हालत क्या खराब है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? समझाने का बात नहीं है, हम खाली उसको पूछा क्या हमको डांस करने को, तो वो सलाह हमको बोलता है तुम्हारी हालत देखो, हमारी हालत क्या खराब है। बकवास बंद करो भी। बकवास बंद करने का बात नहीं है, बाहर निकलो। चुप मिस्टर रोड्रिक्स। हम खाली इसको पूछा हमको डांस करने का, ये सारा हमको बोलता है तुम्हारा हालत देखो, हमारा हालत क्या खराब है। तुमको 20 बार मना किया शराब पी के यहाँ मत आया करो। शराब पीने का बात नहीं है। चलो बाहर। क्या बाहर? चलो डांस। चलो ये टांगे है। चलो बाहर, तुम जाओ, हम डांस करके आते हैं। तुम चलो चौकी में, रात में डांस करना। डांस तो पुलिस स्टेशन के पास में है, हम खाली उसको पूछा अलग को हमको डांस करना। ओके रमेश। ओके राजेश। बाय बाय। सुनिए क्या बात है, आप कुछ चुप चुप से हैं? कुछ नहीं मीना, यही जरा सर में दर्द है। क्या जरूरत है? कह रहे थे ना सर में दर्द है, इसे लगाने से आराम आ जाएगा। रुपेश, आज रास्ता कैसे भूल गए? हाय सनिया। हेलो मीना, देखो कौन आया है। नमस्ते मीना जी। हाय। मीना आज जरा इनके लिए चाय। अरे 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 राकेश, मीना जी चाय की तकलीफ मत कीजिए, हम लोग जरा जल्दी में। क्यों भाई? यस यस, हम फिर आएंगे।
जैसे आप ठीक समझे आप ही का घर है भाई। दरअसल आज शाम को हम दावत दे रहे हैं क्योंकि आज सोनिया का जन्मदिन है। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो सोनिया, बहुत बहुत मुबारक। थैंक्स मीना, आप जरूर आएंगे ना? सोनिया क्या है कि मुझे किसी काम से शहर जाना है, मीना जरूर आएगी। नो 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 नो, शहर है, आपको आना ही होगा, प्रॉमिस। एक काम करते हैं मीना, तुम पार्टी में सीधे चले जाना, मैं स्टेशन से वहां आ जाऊंगा, ठीक है ना? हाउ स्वीट ऑफ यू। अच्छा राकेश, चलते हैं। अच्छा रुपेश, प्लीज जरा चाय भाई। चाय आप पर उधार रही मीना जी, अगली मरतबा आऊंगा तो आपके इन हाथों की चाय पी के जाऊंगा। ऑलराइट ऑलराइट। अच्छा मीना, तुम जरूर आना। हां, और राकेश को भी साथ लाना, जरूर भूलना नहीं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, जरूर आना। ओके ओके, बाय बाय बाय। अच्छा मीना जी, आइएगा जरूर, बाय बाय। ये आदमी मेम साहब कौन था? क्या बात है? नहीं, ऐसा लगता है कि इनको कहीं देखा है। लीजिए, मिस्टर राकेश कपूर। सोनिया, राकेश स्टेशन से अकेला आएगा और मीना घर से अकेली, समझी? अकेली। बीबी जी, कोई साहब आपसे मिलने आए हैं। उनसे कहो मैं आती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सोनिया। इट्स सो स्वीट ऑफ यू टू कम रवि। डालेंगे, ये तो तुम्हारा घर है। अगर तुम मुझे जहन्नुम में बुलाती ना, वहाँ भी चलाता। डोंट वरी, ऐसा मौका भी आएगा। रियली? हाय राकेश। Hi Sonia. Thank you so much for coming. Many happy returns of the day. Thank you. कितनी देर लगा दी तुमने? कब से तुम्हारा इंतजार था? Please come with me. मीना कहाँ है? आती ही होगी। अभी तक आई नहीं? इतनी भी बेसब्री क्या है? और रुपेश कहाँ है? मैं यहाँ हूँ, वो कहीं और होगा। देखो सोनिया, ये सब अच्छा नहीं लगता। बाहर पार्टी चल रही है, लोग क्या कहेंगे? लोगों को मारो गोली। होश में आओ सोनिया। राकेश, राकेश सुनो। राकेश, इन साहब की तारीफ? सितमगर सालिम, मेरे दिल की दुनिया तबाह करने वाला। हुक्म हो तो इससे भी तबाह कर दूं। शराब। हेलो सोनिया। हाय मीना। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच। राकेश नहीं आए? आए थे, मगर तुम्हारा इंतजार कर करके चले गए। तुम्हारे बिना तो उनका जी नहीं लगता। लगता है तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और तुम अब आई हो? दरअसल घर में कुछ मेहमान आ गए थे, इसलिए देर हो गई। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे अरे, कहाँ जा रही हो? कुछ पियो, कुछ खाओ। नहीं नहीं प्लीज, रात काफी हो गई है, वो मेरा इंतजार करते होंगे। अच्छा बाय बाय। बाय। कौन थी ये लड़की? मीना, मेरे रास्ते का कांटा। साफ कर दूं? रियली? इनाम क्या मिलेगा? जो मांगो। तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। यही आदत राकेश की भी है, वो आते जाते इस सुराही को घुमा देता है।
ये रहा तुम्हारा कमरा। कब आया? 24 साल पहले। अबे मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। थोड़ी देर पहले। और भाभी? भाभी? यानी कि तेरी वाइफ? अरे शादी नहीं हुई तो भाभी कहाँ से आएगी यार? देख ये मजाक बंद कर और सच सच बता। सच कह रहा हूँ यार, पिताजी का तार पाकर घर गया। अब की बार बहाना नहीं था, वो सचमुच बीमार थे। उसी हालत में शादी का वादा कर लिया और इसकी इतला तुम्हें भेज दी। लेकिन जिस रोज शादी होने वाली थी पिताजी चल बसे। आई एम सॉरी राजू, कम से कम तार तो दे देना था। अबे तुमने भी तो शादी कर ली, मैंने सोचा क्यों रंग में भंग डालू। हाँ यार यूं ही जल्दी क्या हुआ? तुम अंदर कैसे आए? मैं दरवाजे से। दरवाजा किसने खोला? मीना ने। मीना ने? हाँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? सच कह रहा हूँ यार। इम्पॉसिबल। कमाल है, खुद जाके पूछ लो। किससे? मीना से। कहाँ है मीना? अरे नीचे। नीचे? हाँ। आओ मेरे साथ चलो। कमाल है। कहाँ है मीना? मैं सच कहता हूँ राकेश, मीना भी यहाँ थी, शायद बाहर हो। कौन? कौन है? हम हैं साहब, माली। माली? इन साहब के लिए दरवाजा तुमने खोला था? नहीं तो? तो फिर ये अंदर कैसे आए? मेरी चाबी तो मेरे पास है और आपकी चाबी आपके पास। कुछ गड़बड़ है क्या? पुलिस को बुलाऊं? रहने दो। आओ राजू। क्या बात है राकेश, मीना से झड़प होगी क्या? नहीं राजू, वो नहीं चाहिए। हैं? अरे बेवकूफ, सुहाग रात को लोग प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, दिलों के तार मिलाते हैं, जिंदगी की हर ऊंच नीच पर एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खाते हैं और आप रंग और ब्रश लेकर तस्वीर बनाते हैं। ये सब बात मैं किसने बताई राजू? मैं यार गला दबाओगे क्या? किसने बताई राजू? मीना ने। मीना ने? मीना ने? हेलो राकेश, मीना ने इस पालने का भी जिक्र किया था, कह रही थी तुम इसमें बचपन में झूले थे। राकेश आज तुम सुराही को घुमाना भूल गए। हाँ राकेश, मीना ने ही दरवाजा खोला था, मीना ने ही तस्वीर की बात की थी, मीना ने ही पाले का जिक्र किया था और मीना ने ही सुराही के बारे में बताया था। नहीं राजू नहीं, भगवान के लिए चुप हो जाओ राजू, भगवान के लिए चुप हो जाओ। मेरा सर फट रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। राकेश, राकेश, मैं पागल हो जाऊंगा राजू, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। कंट्रोल योरसेल्फ राकेश, कंट्रोल योरसेल्फ। होश में आओ राकेश, होश में आओ। क्या बात है राकेश, तुम बार बार मीना के नाम से चौंकी पड़ते, बोलो। राजू मीना, मीना मर चुकी है राजू, मीना मर चुकी है। लोग कहते हैं कि उसने खुदकुशी की,
लेकिन पुलिस का कहना है कि उसका कत्ल हुआ। काश उस कातिल ने मुझे मार दिया होता राजू, मेरी सारी दौलत छीन ली होती, मगर मगर मेरी मीना को छोड़ दिया होता राजू। मैं मीना की एक मुस्कुराहट पर बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकता था राजू, बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकता था। लेकिन यह हो कैसे सकता है राकेश? अगर मीना मर चुकी है तो ये दरवाजा किसने खोला? मुझे इस कमरे तक कौन लाया? कहीं तुम ना आए तो मैं मर जाऊंगी, मेरी रूह तुम्हारा इंतजार करेगी।
राजू दरवाजा खोले राजू। राजू राजू दरवाजा खोले राजू। तुम बाहर कैसे गए? बाहर गए तो अंदर से दरवाजा किसने बंद किया? तुमने दरवाजा? मैं तो सो रहा था। ये क्या कह रहे हो राजू? राजू मैंने अभी मीना को देखा, वो गाना गा रही थी और मुझे अपने पास बुला रही थी। राजू मुझे अपने पास बुला रही थी। तुमने मीना को देखा? हाँ। तो इसका मतलब वो जो मुझे मिली वो वाकई मीना की बेचैन रूह थी। और मैंने पागल को भी देखा राजू, मीना सफेद लिबास में। पागल, मीना सफेद लिबास। ताज्जुब है, मीना की रूह किसके लिए बेचैन है? लगता है ये अपने कातिल की तलाश में है। लगता है कि इंस्पेक्टर खान को मुझ पे शक हो गया है। उन्होंने मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया है। नहीं रुपेश नहीं, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। जब से मीना मरी है मुझे बहुत डर लगता है। पागल हो गई हो क्या? अगर मैं वहां नहीं पहुंचा तो हो सकता है कि उनका शक यकीन में बदल जाए। मुझे जाना ही होगा। मैं तो कहती हूँ जिस मकसद के लिए हम यहाँ आए थे वो तो पूरा हो गया। चलो भाग चले यहाँ से। क्या कह रही हो तुम? ऐसा कभी सोचना भी मत। तुम देखो बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं यूं गया और यूं आया। एंड नाउ बी ब्रेव। चीयर अप। दैट्स इट। बाय बाय। रुपेश, कानून की आंखों में धूल झोंकना चाहते हो? नहीं कटर, नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। बंद करो इस लाइट को इंस्पेक्टर, बंद करो। मैं मीना के कत्ल के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं अंधा हो जाऊंगा। मैं कुछ नहीं जानता इंस्पेक्टर, बंद करो इस लाइट को। मैं कुछ नहीं जानता। रात तुमने मीना और राकेश को पार्टी दी थी उस वक्त तुम खुद कहां गायब हो गए थे? मैं स्टेशन पे गया था। अच्छा। लोगों को अपने आप पार्टी पे बुला के आप स्टेशन चले गए थे? मैं एक दोस्त रात की गाड़ी से आने वाला था। कहां है वो दोस्त? जी मैं बहुत देर तक स्टेशन पे अपने दोस्त का इंतजार करता रहा मगर वो नहीं आया। स्टेशन पे? जी हाँ। उसी गाड़ी से राकेश भी यहाँ पहुंचा। हिल स्टेशन का मामला है, यहाँ रातों को लोग बहुत कम आते हैं। फिर तुम्हारी राकेश से मुलाकात क्यों नहीं हुई? मैं एक एक डब्बे में अपने दोस्त को तलाश करता रहा और हो सकता है इसी वजह से राकेश पे मेरी नजर ना पड़ी। आपने एक बार कॉलेज के टेरेस पर मीना को धोखे से बुलाकर उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की थी, उसी वजह से आपको कॉलेज से निकाल भी दिया गया था। और उस रोज के बाद तमाम कॉलेजों के दरवाजे आप पर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए थे। ठीक कह रहा हूं? जी वो हां या नहीं? हां हां, लेकिन इस बात का मीना के खून से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, जभी तो कह रहा हूं। तुमने कॉलेज के प्रिंसिपल के सामने मीना को कत्ल की धमकी दी। उस रोज के बाद तुम लगातार मीना का पीछा करते रहे।
राकेश से शादी के बाद जब वो यहाँ हनीमून के लिए आई तो तुम यहाँ भी आ पहुंचे। यहाँ का तुमने नया प्लान बनाया, उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उनको पार्टी में बुलाया, खुद गायब हो गए। और पार्टी के बाद जब मीना अकेली घर की तरफ जा रही थी तो तुमने उसकी तनाई का फायदा उठाकर उसको हमेशा हमेशा के लिए मौत की आगोश में सुला दिया। नो 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 इंस्पेक्टर, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। मैं मीना का कातिल नहीं हूँ। मीना के कत्ल के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। इंस्पेक्टर मुझे छोड़ दो, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। इंस्पेक्टर मुझे छोड़ दो। तुम जा सकते हो। लेकिन जब तक कातिल नहीं पकड़ा जाता तुम इस हिल स्टेशन से कहीं नहीं जाओगे, वरना बाकी तुम खुद समझदार हो। क्या कह रहे हो रुपेश, तुमने पुलिस के सामने कुछ बका तो नहीं? अपनी जुबान बंद ही रखना, मैं आ रहा हूं। रेलवे स्टेशन चलो। रेलवे स्टेशन नहीं, पुलिस स्टेशन। आपके नाम वारंट है, यू आर अंडर अरेस्ट। हेलो मिस्टर राकेश। हेलो मिस्टर राकेश। राजू जी, आप एक मुद्दत से लापता थे। पुलिस को पता लिखवाने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। पुलिस वाले इतने बुरे तो नहीं होते मिस्टर राजू। और फिर आप ही की तरह उसी रात से मीना के अंकल भी लापता है। आपका क्या ख्याल है, मीना का कातिल कौन है? आप ना सही मिस्टर राजू, लेकिन एक न एक दिन पुलिस का हाथ मुजरिम की गर्दन तक पहुंच ही जाएगा। टेलीग्राम। राजू, आपको कब पता चला कि मीना मर चुकी है? जी कल रात। इससे पहले आपको पता नहीं था? जी नहीं। तो आप यहां मीना से मिलने आए थे? जी दोनों से। आई सी। आप शॉप पर थे? थैंक यू। आप? जी नहीं। तो आपको राकेश ने बताया होगा फिर? जी नहीं। जब कल मैं हवेली में पहुंचा तो मैंने दरवाजे की घंटी बजानी चाही, लेकिन दरवाजा अपने आप खुला। मैंने देखा मीना मेरे सामने खड़ी थी। मीना खामोश निगाहों से काफी देर तक मुझे देखती रही, फिर उसने मुझे सोने का कमरा दिखाया। मैं बैठे बैठे राकेश का ख्याल करते करते खो गया। जब मैं उठा मैंने देखा राकेश मेरे सामने खड़ा था। वो मुझे देखे हैरान हो गया, कहने लगा तुम अंदर कैसे आए, दरवाजा किसने खोला? मैंने कहा मीना ने। फिर उसने मुझे बताया कि मीना को मरे हुए आज 8 दिन हो गए। कहानी अच्छी है। ये कहानी नहीं इंस्पेक्टर, राजू ठीक कह रहा है। जब रात को राजू ने मुझे मीना के बारे में बताया तो मैं सो ना सका। मुझे नींद नहीं आ रही थी कि अचानक मुझे किसी के गाने की आवाज़ सुनाई थी। मैं उठा, लाइट चलाने की कोशिश की, लेकिन मुझे मालूम नहीं लाइट नहीं चली इंस्पेक्टर। फिर मैंने देखा कि दरवाजे के बाहर सफेद लिबास में मीना खड़ी थी। हाँ इंस्पेक्टर, मेरी मालिनी ने मुझे कई बार बताया
कि यहाँ कभी कभी रात को किसी के गाने की आवाज सुनाई देती है। ये ना वो मीना जो मर चुकी है गाना गा रही थी। इंटरेस्टिंग। खैर साहब, तफ्तीश तो करनी पड़ेगी, ड्यूटी इज ड्यूटी। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, हम लोग चलते हैं। अच्छा अच्छा मिस्टर राजकुमार वर्मा, फिर मिलेंगे। मिस्टर राजू, इस नेकलेस को पहचानते हैं? जी हाँ, ये मीना का नेकलेस है। आपको कहाँ से मिला? मीना के लाश के गले से। आप जा सकते हैं। क्या अंदाजा लगा आपने राजू के डांस? यही कि राजू इस नेकलेस को अच्छी तरह पहचानता है। ये इंस्पेक्टर खान मुझ पे क्यों शक कर रहा है? खैर उनका तो काम ही है शक करना, और जब तुमने खून ही नहीं किया है तो परवाह क्यों करते हो? हाँ क्या हो गया तुम्हें? जब भी कत्ल का जिक्र आता है तुम कुछ खो से जाते हो। मैं सोच रहा हूं कहीं तुम भी मुझ पे शक तो नहीं कर रहे। पागल कहीं का, मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता हूं तुम्हारे बारे में। आओ चलें। कहाँ? मैं तुम्हें वो जगह दिखाना चाहता हूं जहां मीना का कत्ल हुआ था। मैं वहां रोज जाता हूं राजू, आओ। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, चलो। ये वही जगह है जहां से मीना कभी लौट के नहीं आई, और मेरा सब कुछ खत्म हो गया। क्या बात है? नहीं, मैं सोच रहा था कि मीना को इसी तरह किसी ने धक्का देके कत्ल किया होगा। हाँ, इसी तरह। कुछ नहीं, ऐसे लगा जैसे हम दोनों को कुछ छुप के देख रहा हो। हमको छुप के यहां पर कौन देख रहा है? ऐसे ही लगा। दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। कौन है ये आदमी? ऐसे कोई पागल मालूम होता है राकेश। जब मैं पहली बार यहां पहुंचा और मैं घोड़े से गिर गया था, मुझे महसूस हुआ कि कोई आदमी मेरे पीछे खड़ा है। मैंने मुड़ के देखा तो वाकई ये पागल मेरे पीछे खड़ा था। इसके दोनों हाथ मेरी गर्दन पर थे और ये मुझे धक्का देने की कोशिश कर रहा था। हाँ राजू, उस रात जब गाने की आवाज आ रही थी ना, तो मैंने भी इसी पागल को देखा था। राकेश, जब इंस्पेक्टर ने तुम्हें पूछा कि तुम्हें किस पे शक है, तो तुमने किसका नाम लिया था? रुपेश का। इस पागल का कोई जिक्र नहीं किया? नहीं राकेश, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी ने मीना का कत्ल किया हो? क्या हो सकता है? मीना का कत्ल? लेकिन ये तो पागल है। पागल? तो आपका शक उस पागल पर है? जी, जब मैं पहली बार वहां पहुंचा तभी वहीं घूम रहा था। और इंस्पेक्टर साहब, हवेली के इर्द गिर्द भी चक्कर काटता रहता है। ऐसी, चलिए उस पागल पे भी नजर रखी जाएगी, लेकिन पहले आप फैसला कर लीजिए आपका शक किस पर है। कभी आप पागल की बात करते हैं, कभी रुपेश की। अरे भाई साहब, हैं बाहर गए, बैठो, आते हैं। झंझनाती हुई आती है फलक से बूंदे, कोई बदली तेरी पाजेब से टकराई है,
वो आए बस में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। हाय आओ रुपेश, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम हमेशा मुझे अपने करीब रखना चाहते थे, मगर तुमने मुझे दूर कर दिया। डर रहे हो, तुम यूं नहीं जा सकते, तुम मेरे मेहमान हो। यहीं ठहरो। बैठ जाओ। चाय नहीं पियोगे? तुम्ही ने तो कहा था दूसरी मर्तबा आऊंगा तो तुम्हारे हाथ की चाय। बैठो। बैठो ना। पियो। डर क्यों रहे हो? पियो। तुम यहीं ठहरो, दूसरी चाय लेकर आती हूँ। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर। रुपेश, क्या हो गया तुम्हें? रुपेश, राकेश, अंदर मैंने अपनी वाइफ को देखा। तुम्हारी वाइफ? अपनी नहीं, तुम्हारी वाइफ को। मीना, कहाँ देखा? अंदर किचन में। किचन में? हाँ। आओ मेरे साथ। उसके बाद वहां कहाँ है मीना? कहाँ गई? मैं सच कहता हूँ राकेश, जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसने मुझे चाय की प्याली भी ऑफर की थी और वो प्याली मेरे हाथ से गिर के टूट गई थी। कहाँ? वहाँ। आओ। अरे ये कुर्सियां, ये कुर्सियां सब गिर गई थी, मैं इन पे गिरा था। ये बत्ती तो बुझ गई थी। ये सब क्या है? ये बत्ती, ये कुर्सियां, ये प्याली, ये सब क्या है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मेरी समझ में आ रहा है मिस्टर रुपेश। तुम हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये क्या कह रहे हो राजू? हाँ राकेश, वही आदमी है जो हाथ धो के मीना के पीछे पड़ा हुआ था। क्या बकते हो? बनने की कोशिश मत करो। क्या तुमने मीना को जान से मार डालने की धमकी नहीं दी? राजू साहब, मैंने तो सिर्फ उसे मारने की धमकी दी थी, मगर आपने तो उसका खून कर ही डाला। लेकिन क्यों? इसलिए कि ये उससे मोहब्बत करता था, मगर मीना ने शादी तुमसे की। ये शख्स बदले की आग में जलता रहा और मौका पाता इसने उसका खून कर दिया। मैं तुम्हारा खून कर डालूंगा? तो खून कर ही चुका है कि दूसरे का भी खून करेगा? रुपेश, राजू, आप लोगों में मिस्टर राकेश? हाँ बोलिए। आप मुझे नहीं जानते, मीना जी जानती है, जरा उनको बुलाइए। क्या आप नहीं जानते कि मीना जी इस दुनिया में नहीं है? क्या? अच्छा तो अब मेरी बीवी को बुला दीजिए। आपकी बीवी यहाँ? देखिए साहब, कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? कमाल है, हम आपसे मजाक क्यों करेंगे? ना आपको जानते हैं ना पहचानते हैं। हा? इसका मतलब है आप मेरी ससुराल वालों से मिल गए। देखिए साहब, ये बात अच्छी नहीं। कमाल है, आप इनके घर में इन्हीं को धौंस दे रहे हैं। आप चुप रहिए, आप सब मिले हुए। बकवास बंद कीजिए एंड गेट आउट, चले जाइए यहाँ से। अच्छी बात है, पुलिस में जाके कंप्लेंट करता हूँ।
से चले आते हैं। कौन था ये? ऐसा लगता है इसको कहीं देखा है। अच्छा यार राकेश, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? देखो बाहर कितनी बारिश हो रही है, बाद में चले जाना। आओ आओ राजू। माली, राकेश साहब हैं, उनसे को इंस्पेक्टर खान मिलना चाहते हैं। वो इंस्पेक्टर साहब? एक मिनट। मालिक, इंस्पेक्टर खान आए। राकेश, मैं आपको थोड़ी तकलीफ देना चाहता हूं, प्लीज। फरमाइए। ये साहब कह रहे थे कि आप जो रात यहां से गुजर रहा था कि अचानक बारिश शुरू हो गई और मजबूरन आपको यहीं रुकना पड़ा। मजबूरन? अच्छा, आप ही तशरीफ रखते हैं? कोई पार्टी वार्टी चल रही थी? खैर, ये साहब कह रहे थे कि अपनी बीवी को ही छोड़ गए थे। बेटा, ये तो कोई पागल मालूम होता है। ना मैं इसको जानता हूँ ना इसकी बीवी को। मैं तो खुद अपने दुखों में घिरा। झूठ बोलता है इंस्पेक्टर, ये जरूर मेरी ससुराल वालों से मिल गया। मैं अपनी बीवी को यही छोड़ गया। तुम झूठ बोल रहे हो। इसी ने मेरी बीवी को गायब किया। शट अप! ये मेरा घर है, कोई मुसाफिर खाना नहीं। जो अपने बीवी को यहाँ ढूंढने आए हो, गेट आउट। अच्छी बात है मिस्टर राकेश, मैं देख लूंगा। गेट आउट भाई साहब। गेट आउट, डोंट शाउट। आई एम सॉरी राकेश, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। दरअसल कसूर उसका भी नहीं है। बीवी की जुदाई या मौत बाज़ोकात आदमी को पागल बना देती है ना? आई एम सॉरी, कैरी ऑन। सेठ रतनलाल, आप ही की तलाश थी। चलिए।
Thank you.
राकेश, मैं जानती थी तुम यहाँ जरूर आओगे। मेरा खून किसने किया? मेरा खून किसने किया राकेश? बोलो बोलो राकेश, मेरा खून किसने किया? मेरा खून किसने किया राकेश? बोलो। मीना, तुम? तुम भी दूसरों की तरह परेशान हो राकेश। मैं बताती हूँ मेरा खून किसने किया। अपनी मौत की वो कहानी जो उस दिन शुरू हुई जिस दिन मैं रुपेश की पार्टी में जा रही थी। मैं तैयार होकर घर से निकली, मैंने अपनी प्यारी सहेली रूपा को देखा। वो अपने पति के साथ आई थी, मगर मुझे पता चला दोनों ने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। रूपा बहुत परेशान थी, मैंने उसे हौसला दिया और अपने गले से लगा लिया और अपना वो लॉकेट दिया जो उसे बहुत पसंद था। रूपा को घर में छोड़कर जब मैं पार्टी में पहुंची, वहां तुम नहीं थे। जब मैं घर की तरफ जा रही थी, मैंने देखा तुम रूपा की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक तुमने उसे धक्का दे दिया, मुझे यकीन नहीं आया। आया तो किसी और मकसद से था। तुमने देखा अभी राकेश ने किसी का खून कर दिया। हाँ। कौन थी वो? वो रूपा है, मेरी सहेली। रूपा? समझ में नहीं आता राकेश की रूपा के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है। उसने उसका खून क्यों किया? खून रूपा का नहीं, आपका हुआ है बीवी जी। माली, क्या कह रहे हो तुम? अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। दुनिया आपको मुर्दा समझती है और पुलिस स्टेशन पे मालिक अपने सामने पड़ी हुई लाश को मीना मीना कहकर पुकार रहे थे। इसका मतलब है राकेश मुझे मारना चाहता था, मगर क्यों? मैंने क्या किया? मैं पुलिस को सब बता दूंगी। पागल हो गई है तुम मीना? राकेश तुम्हारा पति है, उसने खून किया है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? हम दोनों ने अपनी आंखों से देखा है। कौन एतबार करेगा तुम्हारा मीना? अगर तुम असलियत जाहिर करना भी चाहो तो भी कानून राकेश का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मत भूलो मीना कि राकेश तुम्हारा खून करना चाहता था। अगर उसे पता चल जाए कि तुम जिंदा हो तो क्या वो दोबारा कोशिश नहीं करेगा? मैं क्या करूं राजू, क्या करूं? राकेश तुम्हारा खून क्यों करना चाहता था, इस बात का जानना बहुत जरूरी है। और ये उसी वक्त हो सकता है जब तुम दुनिया की नजरों में मुर्दा ही बनी रहो। लेकिन तुमने मुझसे नहीं बताया और राजू से बताया, क्योंकि तुमसे प्यार करती थी और आज भी प्यार करती हो। और तुमने सोचा कि यही एक तरीका है जिससे राकेश को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाकर राजू की हो जाऊं। लेकिन मीना, राकेश तुम्हारा यह अरमान कभी पूरा नहीं होने देगा। आज तक लोग तुम्हें मुर्दा समझते थे ना, लेकिन राजू, बड़े अफसोस की बात है कि तुम जैसे दोस्त ने मुझसे धोखा किया। राजू, अगर तुम्हें मीना से प्यार था तो मुझसे कहा होता, मैं दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज तुम्हारे लिए कुर्बान कर देता। लेकिन ये ढोंग करने की क्या जरूरत थी? तुम मुझे गलत समझ रहे हो राकेश। जब मीना ने मैंने तुम्हें किसी का खून करते हुए देखा तो मैं तड़प उठा। समझ में नहीं आता था कि तुम जैसा इंसान किसी की जान कैसे ले सकता है। वो कौन सी ऐसी मजबूरी थी, कौन सा ऐसा राज था जिसने तुम्हें किसी की जान लेने पर मजबूर किया? और इसी राज को जानने के लिए मैंने मीना से रूह का नाटक रचाने के लिए कहा, ताकि तुम अपने जुर्म का इकबाल खुद कर लो। तुम अपने दोस्त का घर जलाकर उसके चारों तरफ अपनी शादी के फेरे लगाना चाहते थे, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। उससे पहले मैं इसे जान से मार डालूंगा। नहीं राकेश, तुम कौन होते हमारे बीच आने वाले? हट जाओ मेरे रास्ते से, मैं कहता हूं हट जाओ। Thank you.
पहचान लिया मुझे? तुमने मेरी रूपा को मार डाला। रूपा मेरी जिंदगी थी और मेरी जिंदगी छीनने वाले को मैं कभी माफ नहीं कर सकता। आगे मत बढ़ो, मैं कहता हूँ रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, मुझे यहाँ से निकल जाने दो, मैं कहता हूँ आगे मत बढ़ो। राकेश, योर गेम इज ओवर, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। तुम तो पागल हो। हाँ, मैं पागल था, मगर अब खबरदार कोई आगे बढ़ा। पागल मत बनो राकेश, पिस्तौल फेंक दो। राजू, इन लोगों से कह दो कि मेरे रास्ते से हट जाए, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं, बस मुझे यहां से निकल जाने दो। राकेश, अब भी वक्त है अपनी हार मान। एक गुनहगार की जिंदगी गुजारने से इज्जत की मौत मरना बेहतर है। नहीं राजू, राकेश ने अपनी जिंदगी बड़ी शान से गुजारी है और मरेगा भी तो उसी शान से, लेकिन अपनी हार कभी नहीं मानेगा। इस हार में भी तुम्हारी जीत होगी राकेश, वरना जुर्म तुम्हें जिंदगी भर चैन से जीने नहीं देगा। एक गूंज बनकर तुम्हारे दिल की दीवारों से टकराता रहेगा और एक रोज वो दीवारें तोड़कर बाहर आ जाए, उस वक्त तुम अपनी जबान से अपने जुर्म का इकरार कर लो। मैं जानता हूं इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन तुम्हें एक्साइट होने के बजाय हिम्मत से काम लेना चाहिए। तुम्हारी बायोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक उस एक्सीडेंट के बाद मुझे दुख है कि अब तुम औरत के काबिल नहीं रहे। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर? तुमने शादी करने में बहुत जल्दी की राकेश, मेरा ख्याल है तुम्हें अपनी बीवी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। ये मुझसे नहीं होगा डॉक्टर, ये मुझसे कभी नहीं होगा डॉक्टर। एक गलती कर चुके हो राकेश, दूसरी मत करो। कहीं ऐसा ना हो ये राज तुम अपनी बीवी से छुपाए रखो और वो तुम्हें अपने से दूर पाकर किसी गैर मर्द की बाहों का सहारा ले ले। नहीं डॉक्टर! डॉक्टर से मिलकर जब मैं रुपेश की पार्टी में पहुंचा तो वहां मीना नहीं थी। हवेली पहुंचा तो अचानक देखा
कि मेरी मीना किसी और के साथ हंस हंस के बातें कर रही थी। डॉक्टर के वही अल्फाज मेरे कानों में गूंजने लगे। कहीं ऐसा ना हो ये राज तुम अपनी बीवी से छुपाए रखो और वो तुम्हें अपने से दूर पाकर किसी गैर मर्द की बाहों का सहारा ले ले। नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं तड़प उठा। मैं मीना को बेवफा होते देख नहीं सका। मैं आगे बढ़ा और मीना को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से खत्म कर दिया। सुन लिया आप सबने, ये वही राज है जिसे राकेश ने आज तक अपने सीने में छुपाए रखा है, जिसने मेरे मन में शक पैदा कर दिया और इसी की बहन को किसी और की बाहों में देखकर मीना समझकर मैंने उसका कत्ल कर दिया। इंस्पेक्टर चलाओ गोली, मैं कहता हूं चलाओ गोली। इंस्पेक्टर कानून के इंसाफ का इंतजार मत करो वरना पछताओगे इंस्पेक्टर, और राकेश खुद ही अपने आप को मार डालेगा। नहीं राकेश, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारे लिए कानून का दरवाजा खटखटाऊंगा, दुनिया के बड़े से बड़े वकील को लाकर तुमको बचाऊंगा। राकेश रुक जाओ। लाखों फरेब छल यहां इंसान चाहता है, होगा वही जगत में जो भगवान चाहता है।